जनता की आवाज संस्था के सदस्यों एवं व्यापारियों की संस्था कैट के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से खंडवा शहर अनलॉक कराने हेतु कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 1 जून को खंडवा शहर अनलॉक की उम्मीद की जा रही थी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। प्रदेश सरकार ने कम पॉजिटिविटी वाले जिले को 1 जून से अनलॉक करने की घोषणा की थी। खंडवा जिले का पॉजिटिविटी रेट 3.01% होने से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि मंगलवार को खंडवा अनलॉक हो जाएगा। बाकी जिले के अपेक्षा खंडवा जिला कम संक्रमित है। सोमवार 31 मई को एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया। पिछले 45 दिनों से व्यापार व्यवसाय बंद है। व्यापारी एक साल से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। गरीब मजदूर, ऑटो चालक, चाय पान, नाश्ते के ठेले लगाकर पेट भरने वाले का दर्द भी समझे। बहुत आस थी कि 1 जून से 2 जून की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अतः निवेदन है कि खंडवा को अनलॉक करने के लिए पुनः विचार करें, जिस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया आज शाम या कल तक कुछ सकारात्मक निर्णय लेंगे। इस मौके पर खंडवा की आवाज के अंशुल सैनी, मोहम्मद शब्बीर कादरी, अरुण कुमार बाहेती, मुल्लू राठौर और कैट के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पिछले 45 दिनों से खंडवा में लॉकडाउन लगा हुआ है और जैसा कि पूरे प्रदेश में धीरे धीरे करके अनलॉक किया जा रहा है, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे शहर के व्यापारी आस लगा के बैठे थे 1 तारीख से यहाँ पर खंडवा भी अनलॉक होगा, परंतु आशा के विपरीत हमारे यहाँ पे लॉकडाउन को अगले 7 दिन के लिए बढ़ाया गया है, जिसके कारण व्यापारी वर्ग में बहुत ज़्यादा असंतोष पनप रहा है। आम नागरिक, आम जनता भी परेशान हो रही है। छोटे छोटे व्यापारियों के पास, जिनको मध्यम वर्ग व्यापारी कहा जाता है, उनका कहीं कोई विशेष ध्यान रखा नहीं गया है। सरकार ने भी जो योजनाएं चालू करी है उसमें मध्यम वर्ग के व्यापारी के लिए कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? क्या कलेक्टर साहब ने अभी बोला है कि हम इसी काम के लिए मैं निकल रहा हूँ और एसपी साहब से बात करके हर संभव मदद हो सकता है कि आज या कल में कुछ अच्छी खबर हमको शाम तक मिलने को सकती है कि खंडवा अनलॉक हो सकता है या जैसा भी उनकी व्यवस्था रहे। हमने उनसे निवेदन यही करा है कि आप अपने विवेक के अनुसार देखकर अपनी सुविधा के अनुसार खंडवा को धीरे धीरे करके अनलॉक करें, ताकि एकदम से बाजार खुलने पर भीड़ भाड़ की स्थिति निर्मित ना हो और संक्रमण की दर ना बढ़े। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंशुल सैनी है, मैं खंडवा की आवाज़ का सदस्य हूँ।